हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल सा चैनल। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं अपना नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर। जो मेरा नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर था उसका मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ। मेरा जो सेट था वो T2 था। तो आपको बता दूँ, फिजिक्स में आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 50, जिसमें सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन होंगे और आपको 35 में से 35 क्वेश्चन करने होंगे। देन सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे और आप कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते आप स्किप कर सकते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सेक्शन ए में 35 होंगे, सेक्शन बी में आपके 15 होंगे जिसमें से आपको 10 करना होगा। और सेम टू सेम बॉटनी और जूलॉजी में भी होने वाला है आपके साथ। आपको 5 5 5 5 इस सेक्शन आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, यानी आप टोटल 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं 200, जिसमें से आपको 180 करने होंगे। तो गाइस, आपको बता दूं कि मैं नीट 2022 का क्वेश्चन एग्ज़ाम दिया है और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। मेरे जो मार्क्स बैठ रहे हैं वो 200 के आसपास बैठ रहे हैं। मेरी तैयारी तो काफ़ी अच्छी खासी थी, बट यार थोड़ा सा रह गया। इस बार कर लेंगे और कवर सब कुछ, और इस बार आपके साथ मिलकर कवर करेंगे सब कुछ। आपको मैं बताऊँगा कि मैंने किस किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस साल कर लेंगे हम अपना नीट एग्ज़ाम क्रैक। और आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया हुआ था। मुझको थोड़ी सी बायो टफ लगी। इस बार की फिजिक्स आसान थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, जैसे पिछले साल थी इसी साल भी ऐसी ही थी। आपको बता दूं कि बायो नहीं हो रही थी इस बार। बायो में कुछ ज़्यादा ही असर्शन रीज़न और आपके एग्जांपल दिए हुए थे। तो गाइज, अगर आपको मेरे साथ स्टडी करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दो।